अपने ही पार्टी के रैली में अपने ही क्षेत्र के सांसद के खिलाफ नारेबाजी तथा पुतला फूंके जाने से मीडिया तथा आम जनमानस में कुछ असमंजस की स्थिति है। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बांकई गांव के लोग उनसे नाराज हैं या फिर किसी विपक्षी पार्टी के द्वारा यह सब करवाया जा रहा है। कुछ लोग कुछ लोगों का तो कहना यह भी कहना है कि पार्टी के भीतर ही विरोध की राजनीति की जा रही है। आखिर यह राजनीति कर कौन रहा है? क्या यह राजनीति ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के द्वारा किया जा रहा है या फिर ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के नाम पर कोई और का? क्योंकि 25 जनवरी के वायरल वीडियो जिसमें पीएम मोदी के रैली में डॉक्टर महेश शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, न सिर्फ नारे लगे हैं बल्कि क्षेत्रीय सांसद के पुतले भी फूके गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी पार्टी ने या फिर पार्टी के अंदर के विरोधी ने इसमें अपना हाथ नहीं बताया। आखिर बिना हाथ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप हाथ के मतलब से कांग्रेस का मतलब मत निकालिएगा, या ये मत समझिए कि इसमें कांग्रेस का हाथ हो सकता, या फिर यह मत समझिए कि इसमें कोई विदेशी हाथ भी हो सकता है। हाथ तो हाथ है, किसी का भी हो सकता है।
लेकिन कुछ जो कुछ हो रहा है उसे जनता में संदेश अच्छा नहीं जा रहा। वहीं पार्टी के आईटी सेल के द्वारा इसका ठिकाना जेवर के वर्तमान विधायक व डॉक्टर महेश शर्मा का प्रतिद्वंदी ठाकुर धीरेन्द्र सिंह पर फोड़ा जा रहा है। माना जाता है कि ठाकुर धीरेन्द्र सिंह योगी जी के काफी करीबी है, तो डॉक्टर महेश शर्मा हमेशा शाह जी के काफी करीबी नेताओं में से एक है। लेकिन ऐसा आपस में क्यों कर रहे हैं? क्या ठाकुर धीरेन्द्र सिंह सांसद के टिकट चाहते हैं और सांसद बनने की इच्छा रखते हैं? बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी के कार्यक्रम में महेश शर्मा गो बैक के नारे लगे थे और आखिर में सांसद महोदय को वहां से लौटना पड़ा था। एक कार्यक्रम के वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें सांसद जी पार्टी के उपलब्धि गिना रहे हैं और गांव वाले सांसद महोदय से उपलब्धि पूछने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, यानी सांसद जी की अपनी उपलब्धि पूछने की कोशिश कर रहे हैं। जनता है सवाल तो पूछेंगे, आखिर 5 साल में आपने किया क्या है और सांसद निधि को कहाँ पर खर्च किया है? आखिर जनता के पैसे का जनता को हिसाब मांगने का थोड़ा अधिकार तो है। खैर, जनता को चाहिए कि बिना पक्षपात के सवाल पूछे। अगर आप सिर्फ आईटी सेल बनकर रह जाएंगे तो आपको अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखेगा। राजनीति में विरोध कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होना कम से कम गौतम बुद्ध नगर बीजेपी में अंतर्कलह जरूर दिखता है। खैर, यह तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम जैसे बाहरी लोगों का क्या कर लेना देना। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सिर्फ कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं या फिर इनकी तादाद काफी ज्यादा है जो आने वाले समय में चुनाव के समय में बाहर निकल के